लाहौर के ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मिस्टर लाहौर है भाई, एग्जैक्टली जो कि मिस्टर लाहौर है बेसिकली, यहाँ तक मैं पहुंचा रही थी बात, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट। तो जी पिछले साल उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया और क्या मेहनत की कि वाकई मेरा ख्याल है कि ही वाज वेरी डिजर्विंग। साथ कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब ही स्टूड सेकंड ऑन द पोडियम और इस साल उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और अब मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ करने का इरादा है। इंटरनेशनल भी आपको पता है इस तरह के टाइटल्स होते हैं, तो होपफुली इनको वसीम अरशद स्पॉन्सरशिप मिले और ये बाहर भी जाएं। और वसीम क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया। पहले तो अपने इस शौक के बारे में बताएं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैफिक वार्डन की जॉब भी बड़ी डिमांडिंग होती है, तो उसमें और बड़ी सख्त होती है, बड़े लंबे लंबे उनके टाइमिंग्स होते हैं। किस तरह आपने सोचा कि आप ये कर सकेंगे और माशाल्लाह आपने क्या किया फिर? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत तौफीक दी, इसके बगैर ये मैं अचीवमेंट नहीं कर सकता था। तो जॉब की नेचर तो वाकई बहुत टफ है, लेकिन मैं ये एक्सरसाइज तो पहले से कर रहा था, ये मेरा पैशन था, तो इस वजह से पैशन जो आपका होता है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे फिर सेपरेट टाइम निकालता था ड्यूटी ऑफ करके, उसके बाद फिर मैं जाके उसको ज्वाइन करता था। हमारे DSP, हमारे SP हेडक्वार्टर साहब हैं शहजाद खान साहब, उन्होंने मुझे भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। PSO साहब मलिक हसन साहब हैं, वो भी जो मुझे कोई मसला मसाइल आता था उसको फौरी तौर पर हल करते थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे CTO साहब हैं डॉक्टर असद मलिक साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, बुला के 3वीं सनद दी है, फिर कैश रिवार्ड भी दिया है, और आगे मजीद कहा है कि मैं तैयारी करूँ, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं सर, छुट्टी नहीं मैंने ली, ये मैं ड्यूटी के साथ इसको कंटिन्यू करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन था। तो वो फिर मेरे माइंड में ये ऐसे एक्सक्यूज आते नहीं थे कि मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, टाइम नहीं मैनेज है। फिर हर चीज़ को सर मैनेज मैंने किया है, मैनेज करना पड़ता है। जब आपने कोई गोल सेट किया हो तो फिर उसके लिए हार्डवर्क और आपको टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है।